दोस्तों आप सबको मैं इस आज का जो लेसन है मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग वाइसरॉय सीरीज का लॉर्ड मायो जो 4 नंबर पे आए उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये जो लॉर्ड मायो 1869 से आए और 72 तक ऑफिस में रुके थे, इनके टाइम पे क्या क्या हुआ ये जानना बहुत जरूरी है। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आराम से कोई भी क्वेश्चन आता है लॉर्ड मायो के बारे में तो आराम से कर देंगे। ठीक है, चलिए शुरू कर दें। पहला चीज आपको याद रखना है, मैं यहां से शुरू करता हूं। लॉर्ड मायो के टाइम पे फर्स्ट सेंसस हुआ था। फर्स्ट सेंसस जो हुआ था 1872 में हुआ था। आप सोचते होंगे 1872 में सेंसस हुआ और हम सुने हैं 1881 में हुआ है, बात क्या है? तो चलिए मैं बताता हूं। एक्चुअली रेगुलर सेंसस जो हुआ, रेगुलर सेंसस जो हुआ 1881 में हुआ था, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसी समय कौन था? रिपन थे वाइसराय, ये चीज आपको ध्यान रखना। लेकिन यहां पे बात हो रहा है फर्स्ट सेंसस, पहले सेंसस का हुआ, ये हुआ था 1872 में, उसी समय लॉर्ड मायो वाइसराय थे। ठीक है, क्लियर हो गया पर ये पॉइंट। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट को। लॉर्ड मायो के टाइम पे मैं आपको बता देता हूँ, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ था हर प्रोविंस में। ये चीज याद रखना है, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, राइट? फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ था, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ था, ये चीज आपको ध्यान रखना है, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, हर प्रोविंस में शुरू हुआ था। और क्या हुआ था इनके टाइम पे? दो डिपार्टमेंट में आपको बताना चाहता हूँ। एक तो हो गया आपका, एक मैं बताता हूँ, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनके टाइम पे सेटअप हुआ था, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और दूसरा क्या हुआ था, यहां भी लिख देता हूं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स। क्या हुआ था? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, ये चीज हुआ था, इसको आप ध्यान रखना होगा। कई बार क्वेश्चन आ चुका है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और क्या कहते हैं आपका जो स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, किसके टाइम हुआ था? लॉर्ड मायो के टाइम। ये चीज आपको ध्यान रखना। अभी और एक बात है मैं बताना चाहता हूँ, लॉर्ड मायो के टाइम पे दो बड़े बड़े कॉलेज हुआ था जो आज भी चल रहा है। एक तो राजकोट में हुआ, मतलब राजकोट कॉलेज, एक चीज ध्यान रखना है, कौन सा कॉलेज हुआ था? राजकोट कॉलेज, एक राजकोट कॉलेज हुआ, वो कहाँ पे हुआ था? काठियावाड़। कहाँ हुआ था? काठियावाड़। और दूसरा जो हुआ था मायो कॉलेज हुआ था, ये हुआ था अजमेर। कहाँ पे हुआ था? अजमेर हुआ था, जो राजस्थान में। इतना चीज आपको ध्यान रखना है। और अंत में एक चीज बताना चाहता हूं, क्वेश्चन आ भी चुका है, ऐसा कौन सा वाइसराय थे, ओनली वाइसराय, केवल एकमात्र वाइसराय थे जो ऑफिस में मर्डर हो गया था, जिनका मर्डर हो गया था, वो थे लॉर्ड मायो। जब वो अंडमान गए थे दौरा करने तो उसी समय एक मुस्लिम आफरीद करके नाम उनका, तो वो उनको मर्डर कर दे। मतलब ओनली वाइसराय मर्डर इन ऑफिस, मर्डर इन ऑफिस, इसको आप ध्यान रखना है, कुछ ना आ सकता है। ठीक है, ये था आपका लॉर्ड मायो के बारे में जो कुछ जानना जरूरी था ये मैंने बता दिया। ठीक है, विश यू हैप्पी लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।